2023 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक न्यूज़, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे विंबलडन 2023 23 के मेंस फाइनल के बारे में, इसको किसने जीता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए, बात की जाए विंबलडन 2023 का जो मेंस फाइनल खेला गया था वो आपका सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर्स हैं, और स्पेन के कार्लोस अल्कराज के बीच में जो है यहाँ पे इस विंबलडन 2023 मेंस फाइनल को खेला गया था, जिसमें कि कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जो है नोवाक जोकोविच को हरा कर फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे विंबलडन का खिताब जीता है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो वही बात करें हम अल्कराज की, तो अल्कराज जो है इस समय ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स में जो है अल्कराज मौजूदा वक्त के नंबर एक प्लेयर हैं। इसके पहले जो है ये अल्कराज ATP में नंबर वन की रैंकिंग हासिल करने वाले जो है यहाँ पे फोर्थ स्पेनिश खिलाड़ी हैं। इसके पहले पहले नडाल, कार्लोस मोया और उनके मेंटर जुआन कार्लोस ने जो है यहाँ पे ATP में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। वहीं हम बात करें अल्कराज ग्रैंड स्लैम की, तो आप जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उसमें से ऑस्ट्रेलियन, US ओपन और आपका विंबलडन, तो इसमें से ये ग्रैंड स्लैम की हम बात करें तो ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इसके पहले इन्होंने 2022 में जो देखा जीता था वो आपका US ओपन 2022 में जो है यहाँ पे जीता था, और 2023 में जो इन्होंने जीता है वो आपका विंबलडन जीता है। तो इस तरह ये इनका सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं कार्लोस अल्कराज के बारे में, जिन्होंने कि नोवाक जोकोविच को फोर्थ टाइम डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं। नोवाक जोकोविच उनको हरा कर जो है यहाँ पे विंबलडन मेंस फाइनल 2023 का खिताब जीता है। तो ये ऑल अबाउट था इस करेंट इवेंट न्यूज़ के बारे में, जिसमें कि हमने विंबलडन 2023 के मेंस फाइनल को डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।